If you're not following me on Instagram please do follow because we are uploading many behind the scene pictures and videos there Hit that subscribe button and bell icon so you never miss an update from Neela Bakore tutorials Previous lecture may हमने ब्लड में जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं उसमें सेकेंड फॉर्म फॉर्म डलीमेंट के बारे में सारा डिस्कस किया था दैट वाज डब्ल्यू अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मड एलिमेंट्स की दैट इज प्लेटलेट प्लेटलेट्स का जो शेप है वो ओवल भी हो सकता है और स्लाइटली राउंड या कभी कभी राउंड भी होता है और इसका रीजन है कि ये मेगा कैरियोसाइट एक स्पेशल सेल है बोन मैरो में उसके फ्रेगमेंटेशन से हैं। फॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक पार्ट सेपरेट होता है कौन सा सेल है मेगा कैरियोसाइट और ये मेगा कैरियोसाइट होता है बोन मैरो में सो so, अब मेगा कैरियोसाइट जो नाम है उससे हमें समझ में आएगा कि सेल कैसा है मेगा इज लार्ज कैरियोन ऑन वर्ड हमने यूज किया था न्यूक्लियस के लिए सो so, एक सेल है नॉर्मली इरेग्युलर रहता है और विथ लार्ज न्यूक्लियस इसलिए इसे मेगा कैरियोसाइट कहते हैं अब अगर ये मेगा कैरियोसाइट है, है इसका न्यूक्लियस है, इसमें अगर फ्रेगमेंटेशन हुआ तो एक छोटा सा पार्ट इस तरह से सेपरेट होता है यहां से पिंच ऑफ हो जाएगा सो ये पार्ट सेपरेट हो गया इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आएगा न्यूक्लियस नहीं आता है सो जो प्लेटलेट्स बनते हैं इस मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से उसमें न्यूक्लियस नहीं है सो प्लेटलेट्स आर ई न्यूक्लिएटेड सिर्फ है बट जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसमें कुछ बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जो डेंसली पैक्ड होते हैं सेंटर में बेसोफिलिक हैं। बेसोफिलिक मतलब ये बेसिक डाई से स्टेन हो सकते हैं और डेंसली अरेंज्ड होते हैं सेंटर पार्ट में सो so, अगर प्लेटलेट्स को हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो सेंटर वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क दिखता है तो एक कंफ्यूजन uh, होता है कि सेंटर में जो डार्क uh, चीज होती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं बट ये न्यूक्लियस नहीं है ये साइटोप्लाज्मिक है, है, uh, है।, है वो लेस डेंस लाइटर दिखता है तो जो सेंट्रल डार्क प्लेस हमें दिखती है वो न्यूक्लियस नहीं है वो बेसोफिलिक ग्र्यूल्स है जो कॉम्पैक्टली अरेन्ज है सेंटर में सो ई न्यूक्लिएटेड है विदाउट न्यूक्लियस है इसका मतलब फॉर्मेशन जो साइट है जहां पर प्लेटलेट्स बन रहे हैं वो बोन मैरो हो गई बिकॉज जिन सेल से वो बन रहे हैं वो बोन मैरो में है जो प्लेटलेट्स हैं इनका नंबर इसे हम कहेंगे प्लेटलेट काउंट जो प्लेटलेट काउंट होता है इसकी रेंज है 1.5 पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर फाइव पर क्यूबिक इसकी रेंज है इतने प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी में अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ गया तो उसे एक टर्म देते हैं और कम हो गया तो भी एक टर्म है सो so, लोअर प्लेटलेट काउंट उस उसे हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और अगर प्लेटलेट काउंट ज्यादा हो गया हायर प्लेटलेट काउंट अगर है तो उसे हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग अब ये ब्लड क्लॉटिंग में किस तरह से हेल्प करता है इंजोर्ड जो प्लेटलेट्स होती हैं इंजोर्ड प्लेटलेट्स से एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर या इसे हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है यह सिर्फ इंजोर्ड प्लेटलेट से ही रिलीज होगा इसीलिए जब हमारी बॉडी में नॉर्मल सर्कुलेशन है ब्लड वेसल में कोई डैमेज नहीं है कोई इंजुरी नहीं है तो प्लेटलेट भी डैमेज नहीं होगी और अगर प्लेटलेट डैमेज नहीं होगी तो ये सब्सटेंस रिलीज नहीं होगा बिकॉज यही सब्सटेंस है जो क्लॉटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है अब जब भी प्लेटलेट इंजोर uh, या रप्चर होती है अब ये हो सकता है एक्सटर्नल इंजुरी से कुछ कट लगा है कुछ अड्ड uh, है उससे हो सकता है या कभी कभी एक मैकेनिकल इंपैक्ट होता है अंदर ब्रूज हो जाता है अब ब्रूज मतलब स्किन में ब्लूइश कलर आ जाता है वो इसलिए है कि आपको एक मैकेनिकल कुछ इम्पैक्ट था कुछ चीज लगी आपके हाथ पर कट नहीं है ब्लीडिंग नहीं हुआ बट इंटरनली ब्लड वेसल रप्चर हुई और जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर होगी ये सब्सटेंस रिलीज होगा और क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अब जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है तीन स्टेप में क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है और ये इंजोर्ड प्लेटलेट से ही स्टार्ट होने वाला है सो so, अगर हम क्लॉटिंग की बात करते हैं सो so, क्लॉटिंग के लिए थर्टीन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड रिक्वायर्डीन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड थ्रोम्बोकाइनेस या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक फैक्टर है जो फर्स्ट स्टेप है उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ ये सबसे पहली स्टेप है और ये दो पाथवे से प्रोड्यूस हो सकता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल इंजुरी है उससे एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल इंजुरी है बट अल्टीमेटली प्लेटलेट रप्चर होगा और उससे ये सब्सटेंस रिलीज होगा सेकेंड जो स्टेप है अब थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और इसीलिए इसका दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सो सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन ये सेकेंड स्टेप है सेकेंड स्टेप में क्या होगा प्रोथ्रोम्बिन है ये भी थर्टीन में से एक फैक्टर है यह कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में और इस कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए इस कन्वर्जन के लिए चाहिए थ्रोम्बो काइनेस एंड कैल्शियम आयन कैल्शियम आयन भी एक एक्टिवेटर सॉरी uh, एक फैक्टर uh, है सो so, फाइब्रिनोजन uh, भी फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन भी है थ्रोम्बोकाइनिज भी है कैल्शियम भी ये सब फैक्टर्स हैं और टोटल थर्टीन फैक्टर्स ये सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में बन गया है थ्रोम्बिन और यहाँ पर कैल्शियम आयन इसेंशियल है और इसीलिए जब कैल्शियम नहीं होता तो ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाएगा जो थर्ड स्टेप है उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन या इसे हम फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट भी बोल सकते हैं अब इसमें जो फाइब्रिनोजन है ये भी एक फैक्टर है बट फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है दिस इज सॉल्यूबल होता है प्लाज्मा में ये एक सॉल्यूबल प्रोटीन है ये सॉल्यूबल प्रोटीन इनसॉल्यूबल हो जाएगा किसके प्रेजेंस में थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फाइब्रिन फाइब्रिन इन है और फाइब्रिन नाम से समझ में आता है कि थ्रेड लाइक प्रोटीन है यह कन्वर्जन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में होगा अब फाइब्रिन बन गया फाइब्रिन मतलब फाइबर्स है सो so, अगर यह ब्लड वेसल में कट है यहां पर कट है ब्लड वेसल में और ये रिएक्शन हुई ये तीन स्टेप्स हुई पहले प्लेटलेट रप्चर होने से थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ उस थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में फिर जो थ्रोम्बिन बना उसने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया अब ये फाइब्रिन के फाइबर्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं और एक नेट टाइप स्ट्रक्चर बनेगा और इस नेट में डैमेज डब्ल्यू बी सी आरबीसी ये सब यहां पर ब्लॉक हो जाएंगे या रादर नेट में वो सारे सेल्स जो हैं वो अफिट हो जाते हैं फंस जाते हैं और अब एक पूरा बैरियर बन गया है और इसी बैरियर को हम क्लॉट कहते हैं या तो क्लॉट कहेंगे या इसे हम थ्रोम्बस भी कहते हैं बट थ्रोम्बस जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है सो so, जो छोटे छोटे से क्लॉट्स होते हैं जो कभी कभी एक जगह बने हैं बट वो ब्लड फ्लो के साथ कैरी हो जाते हैं तो उन्हें हम कहेंगे थ्रोम्बस, सो so, ये प्लेटलेट का फंक्शन है अब प्लेटलेट को कई जगह पर थ्रोम्बोसाइट्स लिखा हुआ है ये एक टेक्निकली इनकरेक्ट चीज है प्लेटलेट्स जो वर्ड है ये सेल्स आर फाउंड इन मैमल्स ये मैमल्स में मिलेंगे और जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसका मतलब वर्टिप्रेट्स में जो मैमल्स हैं उनके अंदर थ्रोम्बोसाइट्स नहीं होते हैं उनके अंदर जो सेल होता है उसे हम कहेंगे प्लेटलेट जो दूसरे वर्टिप्रेट है को कर, उनके अंदर भी सेल है सिमिलर फंक्शन है दोनों का फंक्शन क्लॉटिंग ही है प्लेटलेट भी और थ्रोम्बोसाइट्स भी बट टेक्निकल डिफरेंस क्या है प्लेटलेट्स जो हैं, वो फ्रेगमेंटेशन से बने हैं इन्यूक्लिए है, और थ्रोम्बोसाइट्स न्यूक्लिएटेड होते हैं इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होता है सेंटर में और अगर सेंटर में लार्ज न्यूक्लियस है तो शेप हो जाएगा स्पिंडल लाइक सो थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स अलग अलग तरह के सेल्स हैं दोनों का फंक्शन सेम है बट बहुत जगह पर प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स लिखा जाता है सो so, हमें ध्यान रखना है कि ये मैमल्स के लिए अगर बात कर रहे हैं तो प्लेटलेट्स कहेंगे और दूसरे वर्टिब्रेट्स के लिए अगर बात कर रहे हैं तो थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे बिकॉज़ टेक्निकली दोनों सेल्स अलग-अलग हैं एक ई e न्यूक्लियेटेड है और एक न्यूक्लियेटेड बट फंक्शन दोनों का सेम है दैट इज ब्लड क्लॉटिंग सो ये थर्ड फॉर्मड एलिमेंट मतलब प्लेटलेट्स हो गए सो so, अब हमने तीनों फॉर्मड एलिमेंट्स कर लिए हैं ब्लड में प्लाज्मा भी हो गया है अब नेक्स्ट लेक्चर uh, में हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे